पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश का चंदौली अपराधियों को खूब रास आ रहा है, जिसके कारण अपराधी अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस सिर्फ लकीर पीटती नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला बबुरी थाना अंतर्गत पांडेपुर बाजार का है, जहां रामचंद्र प्रसाद के कपड़े की दुकान से हौसला बुलंद चोरों ने लगभग 1,50,000 रुपए ताला तोड़कर उड़ा लिए। जानकारी के अनुसार पचोखर गांव निवासी रामचंद्र प्रसाद का पांडेपुर में कपड़े की दुकान है। वो रोज की भांति शाम 7 बजे दुकान बंद करके घर चलाए जाते हैं। जब वो तड़के सुबह दुकान की तरफ आते हैं तो दुकान का ताला टूटा हुआ उन्होंने देखा। दुकानदार ने जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो काउंटर भी खुला था और काउंटर में रखे सारे पैसे चोरी हो गए थे। वहीं दुकानदार ने तुरंत चोरी की सूचना डायल 112 और बबुरी थानों को दी। चोरी की सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने पीड़ित दुकानदार को थाने पर आने की बात कहकर चल दिए। चोरी हुई है सर, हम रखे थे कल पैसा देना था गिट्टी वाले को 85,000 लगभग जी, वो रखे थे कैश और करीब दुकानदारी का था 16-17 हज़ार जी, और उसके बाद नीचे था सिक्का मिला के 16-17 हज़ार और नोट लगभग 17-18 हज़ार लोग नोट दिए थे। कितना रकम हुआ लगभग आपका? लगभग 1.5 लाख के ऊपर, 1,55,000 के लगभग था। आपको कैसे सूचना मिली सुबह? सुबह हम जब आए भोर में 4:40 में जब देखे दुकान तो ताला तोड़ा था नीचे वाली परचून का जी। तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन को 100 नंबर दिया गया, आया प्रशासन, फिर उसके बाद लिखा पड़ी हुआ, फिर थाने पर बुलाया है। क्या आश्वासन मिला प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा बुलाया गया कि आप आइए थाने पर, चोरों को पता किया जाएगा। भाई पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।